भाजपा के मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन संजय प्लेस में हुआ। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। भाजपा महापौर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा का केंद्रीय कार्यालय संजय प्लेस अवध वेंकट हॉल में खोला गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, साथ ही कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की मदद की। भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही योग कर्मठ जुझारू प्रत्याशी महापौर की हेमलता दिवाकर जी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने संयुक्त रूप से किया है और यहां से पूरे चुनाव का संचालन होगा। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है बहुत उत्तम, उसको और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बह रहा है उससे कमल खिलेगा। और इतिहास गवाह है, मेरे राजनीतिक जीवन में 6वां चुनाव हो रहा है जब से मैं सांसद बना हूँ। बेबी रानी मौर्य यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मेयर हुई, उसके बाद कास्ट बदली गई, केशरीलाल माहौर आए जो कोरी समाज से हैं तो वो भी जीते, उसके बाद महिला सीट हो गई तो अंजुला माहौर भी जीती, उसके बाद फिर एससी पुरुष हो गया तो इंद्रजीत आर्य, यहाँ भी कास्ट बदल गई तो हम हर जात और हर रिजर्वेशन में जीते हैं, उसके बाद सामान्य हो गई तो सामान्य में भी नवीन जैन साहब जीते हैं। और इस दौरान हमारे पांचों मेयर ने आगरा के लिए बहुत काम किया है। अब हम लोग थोड़ा माइंड सेट दूसरा बदल रहे हैं कि सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, सोडियम लाइट, पार्क, प्लांटेशन हुआ है, अब क्यों ना हम इसको एक इंटरनेशनल शहर ये है। केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा को विश्वास दिलाया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर निगम पर भाजपा का कब्जा रहा है, इस बार भी आगरा का मेयर भाजपा का होगा। उनकी इस बार रिकॉर्ड जीत हो गई है और अपने 100 वार्ड हैं यहाँ पर नगर निगम में और 100 वार्डों में पे पूरे 100 वार्ड पर हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन अन्य दलों को पूरे प्रत्याशी भी नहीं मिले तो जो है भारतीय जनता पार्टी 80 से ऊपर ये हमारे पार्षद जो जीतेंगे और पूर्व बहुमत की सरकार आगरा के अंदर जो बनेगी है। आज कार्यालय का उद्घाटन है, हमारे बीच में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, विधायक राज्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि भाजपा महानगर संगठन हमेशा जोश भरने का काम लगातार करता रहा है। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लगातार जानकारी देते रहते हैं। पिछले मेयर के कार्यकाल में शहर में जमकर विकास हुआ है। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बहन हेमलता दिवाकर जी के कार्यालय का संजय प्लेस अवध बैंक्वेट हॉल में विधिवत उद्घाटन किया गया है और माननीय सुरेश तिवारी जी और लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और सांसद आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा, इसमें संयुक्त रूप से हमारे सारे जनप्रतिनिधि आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, माननीय धर्मपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह हम देख सकते हैं कि हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम इस प्रांगण में और उतना ही नीचे सड़कों में हम लोग देख सकते हैं कितना उत्साह का वातावरण है। 1259 बूथ है, लगभग 4 लाख वोटों में काम हुआ, उसमें लगभग 3.25 लाख वोट हमारे बढ़ाए गए कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा से है। उन बूथों में जो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और जिस प्रकार कार्यकर्ता डोर टू डोर काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सर्वाधिक जीत भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के द्वारा दर्ज होगी और लोकप्रिय हमारी जो प्रत्याशी हैं विकास का रथ लेके आगरा को विकास में भी नंबर वन पहुँचाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। इसी योजनाओं और इसी बात के संग हम लोग लगे हुए हैं और इसी संकल्प के संग हम लोग इस काम को कर रहे हैं। भाजपा मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने आगरा की जनता को विश्वास दिलाया है कि मेयर बनने के बाद उनकी प्राथमिकता
आगरा को रोल मॉडल बनाने की रहेगी। पिछले कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कराया जाएगा। शहर का विकास उनकी जिम्मेदारी होगी, खासतौर पर मलिन बस्तियों पर उनका फोकस रहेगा। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां साफ सफाई ना हो और सड़कें टूटी फूटी ना हो। के प्रभारी निकाय चुनावों के श्रीमान सुरेश तिवारी जी, हमारे केंद्र के मंत्री श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी, श्रीमान जीएस धर्मे जी जो पूरे चुनाव को भी देख रहे हैं, श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और हमारे यशस्वी महानगर के अध्यक्ष श्रीमान भानु जी, हमारे बहुत ही सभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आप लोग देख रहे होंगे जनता और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया है, यहीं से हम लोग सारी गतिविधियाँ करेंगे और मैं लगभग दस बार रोज करती हूँ और देख रही हूँ कि जनता का प्यार और आशीर्वाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस वार्ड में हम लोग जा रहे हैं जनता उत्साहित हो रही है कि कब 4 तारीख आए और कब हम अमूल्य आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ पर अपना मेयर दें। पिछले कई वर्षों से मेयर पद पर भाजपा का कब्जा चला रहा है। भाजपा के दिग्गजों को पूरा यकीन है कि इस बार भी भाजपा का मेयर होगा। मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा का दावा है कि मेयर बनने के बाद उनका फोकस शहर की तस्वीर बदलने पर रहेगा। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।